गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि घोषपुकुर से हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ के बागडोगरा की तरफ जा रहे थे। सो अभी का जो लैंडस्केप है ना वो बहुत ही सुंदर है। रोड के दोनों साइड आपको टी गार्डन्स मिलेंगे। घोषपुकुर क्रॉस करने के बाद से ना NH 27 का रोड कंडीशंस थोड़ा बेटर है। आप लोग देख सकते हो 4-way lane है। डालखुला के बाद से जब हम लोग NH 27 पकड़े थे ना तो रोड पे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। टी गार्डन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। लश ग्रीनरी है हर तरफ और ये जो फ्रेश ग्रीन लीव्स है ना ये देखकर ना बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो टी प्लांट्स है ना सभी एक ही हाइट के हैं। यहाँ पे प्रूनिंग करके ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। सो सुबह ना ये फ्रेश टी लीव्स को प्लक किया जाता है तो सुबह सुबह यहाँ से अगर क्रॉस करते तो वो भी देखने को मिलता। सामने और एक साइन बोर्ड है कक्करविटा के लिए आपको लेना होगा लेफ्ट एंड सिलीगुड़ी कर्सियांग और गैंगटॉक है सीधा। कक्करविटा नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे नेपाल इंडिया का बॉर्डर गेट है। तो कक्करविटा से आप लोग एंटर करोगे साउथ ईस्टर्न नेपाल में। यहाँ से बस 21 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फ्लाईओवर के ऊपर। तो राइट में ही पड़ेगा बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको ओला कैब कुछ भी मिल जाए इसी रूट से सिलीगुड़ी जाना है। तो अभी हम लोग पहुंच गए बागडोगरा बिहार मोड़। बागडोगरा फ्लाईओवर के नीचे से जाके हम लोग राइट लेंगे, वही सिलीगुड़ी का रास्ता है। दार्जिलिंग कर्सियांग फिर गैंगटॉक के लिए आपको सिलीगुड़ी होके ही जाना है। एंड यहाँ से ना गाइस आपको बसेस मिल जाएगा कक्करविटा के लिए, फिर वहाँ से दूसरा बस पकड़ के आप लोग काठमांडू जा सकते हो। तो बिहार मोड़ पे आके हम लोग को मिला है थोड़ा सा जैम। ये एक्चुअली जंक्शन पॉइंट है एंड आगे जाके हम लोग को फिर से मिल जाएगा 4-way lane। एंड ऊपर का जो आप लोग ब्रिज देख रहे हो ये एशियन हाईवे 2 का कनेक्टर है। सो एशियन हाईवे 2 का वेस्ट एंड है ईरान में एंड ये एंड होती है जाके बैंकॉक में। कल हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी से गैंगटॉक, तो टोटल 5 किलोमीटर्स ही हम लोग NH 27 पे ट्रैवल करेंगे। उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे NH 10 जो पूरा गैंगटॉक तक जाती है। सो सिलीगुड़ी के लिए हम लोग जाएंगे स्ट्रेट और बागडोगरा रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग को जाना होगा राइट। एशियन हाईवे 2 के साइन बोर्ड के जस्ट सामने हम लोग को ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिला तो सोचे कि आज रिफ्यूल करवा लेते हैं, कल के जर्नी में काम आएगा। वैसे सिक्किम में पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 105.73 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ पे हम लोग की नेक्सॉन रिफिल हो रही है, बस 15 मिनट का रास्ता है उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे होटल। अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ का अभी हम लोग पेट्रोल भरवाए। सो वेलकम टू एशियन हाईवे 2। सिलीगुड़ी 8, दार्जिलिंग है 83 और गैंगटॉक है 120 किलोमीटर्स यहाँ से। सो गाइज लाइफ में पहली बार हम लोग नेक्सॉन को ड्राइव करने वाले हैं एशियन हाईवे पे। नॉर्मली अभी तक हम लोग जितना भी लॉन्ग रोड ट्रिप्स किए हैं ना तो नेशनल हाईवेज या स्टैंडर्ड हाईवेज पे ही ड्राइव किए हैं। तो सिलीगुड़ी है यहाँ से स्ट्रेट। हम लोग NH 27 को फॉलो करके अंडरपास के नीचे से जाएंगे क्योंकि हम लोग का होटल वहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो NH 10 पकड़ के डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाती है। तो अभी हम लोग जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं होटल के लिए उतना डिस्टेंस कल वापस आना है, बिकॉज वो जो मोड़ अभी छोड़ के आए ना उसी से हम लोग को स्ट्रेट जाना था, वो रास्ता सिलीगुड़ी की तरफ जाती है।
तो गूगल पे ऑलरेडी लोकेशन लगा चुके हैं हम लोग के होटल का। तो आज हम लोग स्टे करने वाले हैं कला होटल में, जिसका डिस्टेंस है 5.7 किलोमीटर्स। पीछे जो जंक्शन पॉइंट हम लोग छोड़ के आए, अभी दोपहर के बज रहे 3:17 एंड कंटिन्यूअस 14 आवर्स का ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। तो आज हम लोग स्टे करने वाले हैं कला होटल में। होटल आते ही ना फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग देखोगे कि एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको थाली मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर डिनर का प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुका है एंड हम लोग बहुत लेट है लंच के लिए। तो 10 रुपीज़ पे आपको मिलेगा दाल, राइस और एक मिक्स वेज का सब्ज़ी। बाकी आप लोग जो एलिमेंट्स देख रहे हो, जैसे पापड़ है, फिर कुछ फ्राइड है, दही है, ये सब के लिए अलग अलग 10-10 रुपीज़ पड़ा है। तो ये टोटल थाली का प्राइस है 40 रुपीज़। सो गाइस, लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग को रूम अलॉट कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूम है, तो ऊपर फैन लगा हुआ है, बेड है यहाँ पे। इस रूम का पर डे चार्जेस है 844 रुपीज़। ये नॉन एसी रूम है। एक छोटा सा टेबल है, सामने है बालकनी एंड बालकनी के साथ अटैच्ड है एक वॉशरूम। एंड यस, हम लोग का रूम 4th फ्लोर पे है एंड इस होटल में आपको कोई लिफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो सामान लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी रात के बज रहे 7:45 एंड हम लोग लग गए हैं चाय बनाने के प्रेपरेशन में। सो इस होटल के नीचे ही ना आपको एक मोमो का दुकान मिलेगा, तो वहाँ पे मोमो के साथ साथ और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं। तो हम लोग वहीं से ना सब कुछ पैक करवा के लाए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये वेज मोमो, तो ये खाने में गाइस बहुत ही डिलीशियस है। फिर है ये चिकन पकौड़ा, जिसके साथ एक चटनी भी मिला है। चिकन पकौड़ा के साथ साथ ये है फिश कटलेट। एंड फिर एट द एंड आता है ये एग रोल। तो स्नैक्स आइटम इतना ज़्यादा है ना, रात में डिनर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही खा के हम लोग का पेट भर गया। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ना, सारे बहुत ही खाने में अच्छे थे। कभी कभार होता है ना फ्राइड आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा तेल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो खाने में भी अच्छा लग रहा था। अभी रात के बज रहे 12:10। इस बार का ट्रिप ना फैमिली मेम्बर्स के साथ कर रहे हैं, तो दूसरे रूम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे गैंगटॉक के लिए एंड कल का जो ड्राइव है ना, वो पूरा माउंटेन ड्राइव है। सो स्टे ट्यून्ड हम लोग के नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।